मार रहे थे ओवेस का रोटेशन को फेल कर दिया गया ओवेस वापसी रोटेट आउट करने की कोशिश एक दूसरा एंगल निकालने की कोशिश करेंगे को है। थोड़ी सी उसकी बुलेट वेलेसिटी थोड़ी क्या बहुत ज्यादा स्लो है बट रायद ने वहां पे ओवेस को नॉक कर दिया एंड यहाँ पे स्काउट और एश कवर फायर देने की कोशिश करेंगे फ्रेंकी भी नॉक आउट हो चुके हैं टीम रिवेंज इस बार पुश लेना चाहेगी क्योंकि रायद

टीम फ्नाटिक बीइंग एलिमिनेटेड एंड इसी के साथ घर का रास्ता दिखाते हुए टीम रिवेंज बहुत ही उमदा गेम प्ले यहाँ पे बहुत सही रेयत का क्या प्यारा स्प्रे देखने को वहां पे मिला तीन बंदे को लिटा दिया लेते हुए अपनी टीम के लिए देखने को मिला तीन को किया है और पूरी पूरी गे। के दो भी भी कि चलो नि बंदे बचे हैं। बट उनको खेलना पड़ेगा थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा पोजिशन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए एलिमेंट्रिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सोल के लिए भी इंपॉर्टेंट है अभी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कोई मतलब नहीं बट पॉजिशन पॉइंट जरूर चाहिए क्योंकि अभी अगर एलिमिनेट

निकाल जाते हैं बड़ी वार के जो टॉक्सिक आइजियल है उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऊपर के साइड पे है तो सही चर्च के काफी ज्यादा क्लोज है बट वार गॉडल के जो गेल है वो दूसरे साइड पे एचपी का एक एम का हेडशॉट देखता हुआ और एम वीरू जो थे उनको डाउन किया है और ओके okay, मैम के स्क्वाड यहाँ पे होल्ड करके पोचिंग के पोचेंगे जहाँ पे, पे गॉडल की स्क्वाड हुआ करती थी बट गॉडल की टीम से भी केवल एक ही स्लेयर यहाँ पेड शॉट लगाते हुए पसंद कर सकती है पिछले मैच में एडविड स्क्वाड ने काफी अच्छा खासा गेम प्ले दिखाया था उम्मीद करेंगे इस मैच में भी अच्छा खासा गेम प्ले दिखाया जिस तरह से स्क्रिम्स वगैरह में वो खेलते हैं और टीम आइंडी के क्या करने बट एलिमेंट स्पोर्ट्स के

टीएसएम की जो स्क्वाड है वो दूसरे साइड से रोटेट कर तो रहे बट पूरी तरह से कंफर्म हो चुके रेड के द्वारा यहाँ पे एलिमेंट स्पोर्ट्स के चार अभी भी जिंदा तो हुआ डेस्ट्रो और अगर दूसरे साइड से शॉर्ट्स वगैरह सुनाई दिए होते तो रश करते बट यहाँ पे डेस्ट्रो डाउन हो गया पूरी तरीके से फिनिश भी हो गए अब अकेले भीषमा बचे बाकी नॉट किया दूसरा पीछे से कवर करता हुआ और इसी के साथ पूरी पूरी जियो में जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हो चुके

यस yes, और यहाँ पे बखूबी फायदा उठाते हुए यहाँ पे हाई ग्राउंड का टीम सेवन एस के प्लेयर्स यहाँ पे सिर्वी के लिए पाथिंग स्मोक बॉडी स्मोक तीन स्मोक्स एगेस्ट इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है सिर्वी को बचाने की पूरी कोशिश रहेगी बट यहाँ पे ऑस्टेन को नॉक कर दिया है ने। दो प्लेयर्स यहाँ पे टीम सेवन एस के ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं जो पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टीम एस का वो आ जाता है टेड की तरफ एंड टेड हमको ही पता है क्लच आराम से कर सकते हैं बट यहाँ पे अगे पोजिशन के लिए जा रहे यहां से निकल जाना चाहेंगे क्योंकि ये भी रन में हैं अभी भी क्योंकि अभी अगर टीम एस अच्छा परफॉर्म करती तो शायद टॉप थ्री भी यहाँ पे एंड अप कर सकती है बट फिलहाल टीम रिवेंज और टीम नंबर सेवनटीन के बीच में यहाँ पे हम लोग को फाइट देखने को मिलेगा थोड़ी ही देर में यश और माफिया यहाँ पे अच्छा खासा एंगल होल्ड करके रखे हैं यश की तरफ एक दफा नजर डालते प्रो ने यहाँ पे रिज होल्ड कर रहे हैं टीम रिवेंज के प्लेयर्स अगर यहाँ पे ये यह हिल है उसके ऊपर भी हल्का ऑफ you know, तो कर जाएंगे तो ये यह जा नेचर जिसको मैं बोलता हूँ बट जोन आप देख सकते हो बहुत ही इंटेंस जोन बनने वाला है क्योंकि पोचिकी का जोन बन चुका है टीम मेगा स्टार्स की स्क्वाड भी इस बार जिंदा है अभी भी एंड घाई ये आपको बता दू कि टीम मेगा स्टार्स ने जो अभी रिसेंटली पी एम पी क्रेम्स में अगर आप

उन्होंने टीम तमिलास के तीन प्लेस चटकाए उसके बाद आए अंदर आए फिर जॉनहथन ने आई गेस गिल को भी वहां पे फिनिश करा और मवी का वहां पे अभी तक उनको पोजीशन नहीं पता बट आप देख सकते हो टीम सोल कितना सेफ रोटेशन खेल रहे क्योंकि उनको भी पता है ये जो क्लस्टर है ये जो पोचिंगी का क्लस्टर है बहुत ज्यादा भर चुका है यहाँ पे नॉर्दर्न साइड जा रहे हैं सिमिलरली एलि, एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप ये दो स्क्वाड्स को अभी जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि टॉप थ्री का फाइट चल रहा है आई गेस विनर्स तो एंटिटी रहेगी टीएसएम एन टी टी जो हमारी स्क्वाड है वो रहने वाले

को टॉक्सिक आईजेल की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता है जहां पे वो लेटे पड़े हुए है ना चर्च के ऊपर वाला जो छोटा सा एक ऐसे गड्ढा सा जो भी होता है बिल्कुल yes पूरा ओपन में यहाँ पे जोन बनता हुआ एक दो कंपाउंड है जो जोन के स्टॉक जल यहाँ पे बैठे हुए हैं आप देखो पूरी आराम से अब सारी टीम निकल जाएगी उसके बाद ये यह यहाँ से निकलेंगे पोजिशन जरूर चाहिए बट बाकी जो मेबर्स जी गए उनको स्पॉट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा अगर हिल डुल गए आवाज उनको चली गई काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बट वहाँ पे सनफॉक्स डाउन होते हुए टीम ट्रांस की नीचे साइड पे टेट बात करें तो उन्होंने आई एडी को डाउन कर दिया एस जी वर्सेस टीम आई होता है वो आई भी काफी ज्यादा दूर से रोटेट करना पसंद करती है उसी की फायदा उठाया यहाँ पे टीम एस के मेम्बर्स ने

ओबी जोन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे आतंकी यहाँ पे 76 के जिक्र जो थे उनको भी डाउन कर गए आज के मैच की बात करें तो डाउन हो गए डकी के द्वारा और पूरी जो सेल्स की स्क्वाड थी या फिर 76 की स्क्वाड थी देखना पड़ेगा जीती कौन यहाँ पे ओके ठीक है 76 की जो स्क्वाड थी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके सेल्स के द्वारा डकी आखिरी मेंबर से आतंकी के द्वारा फिनिश किए गए और अब यहां पे एलिमेंट ईस्पोर्ट पूरी तरीके से ओपन में रश करते हुए नजर आ फ्रॉस्ट यहां पे डाउन हो गए सीजी के द्वारा अहम के बिलीव के पास अच्छा खासा चांस है कि वो मेंबर्स को डाउन कर सकते हैं नहीं वो देखना पड़ेगा एलिमेंट ईस्पोर्ट चांस उनके सामने ओके

का पढ़िया ने डाता हुआ एलिमिनेट इस शायद इसी के साथ पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके और सोल की जोन प्रोडिक्शन को या फिर किस्मत को वो जोन के अंदर है पाकिस्तान के बाहर एलिमेंट के, के, के पास अच्छा खासा चांस है बहुत सारे निकालने के लिए अभी उनके पास किल्स नहीं है बट जल्दी ही किल्स निकाल सकते हैं वो घर जोन के अंदर है वो उसको होल्ड करना जरूर चाहेंगे मॉडल जो बचे हुए थे भी डाउन हो गए और नौ टीम मेंबर इस मैच में अभी भी जिंदा बाकी सारी टीम टीएसएम की स्क्वाड है जो जोन के अंदर

करने की कोशिश करेंगे स्नैक्स काफी काफी ज्यादा ज्यादा क्लोज हैं हैं वगैरह क्या यूज़ कर सकते आई गेस नहीं, नहीं काफी दूर है। बट इनके ऊपर की स्क्वाड भी है उस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा वेज क्रॉस जिस तरीके तारीफ की वो बहुत ही ज्यादा प्यारा गेम प्ले दिखा रहे हैं इस इवेंट में अपनी टीम से मार्कोस गेमिंग सूज वो भी डाउन हो गए और मार्क्स भी फिनिश हो गए मोयम वीरू को भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा और वेज़ी क्रॉलर्स के पास तीन मेंबर्स जिंदा एच भी अपने आप को फटाफट हील करेंगे वीरू के पास कोई चांस नहीं जोन के अंदर निकलना ही पड़ेगा जोन चल चुका है आठ टीमें अट्ठारह मेंबर्स अभी भी इस मैच में जिंद यस yes, और वीरू यहाँ पे अकेले फंस चुके एक अच्छा चांस था उनके पास नॉक करने का वीएससी क्रॉल के प्लेयर्स को बट यहाँ पे अभी डिले आउट करेंगे उनको डिले करके यहाँ पे बी एस के एच बी के ऊपर स्प्रेड आउट करते हुए यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉक देखने को मिलता हुआ एक नॉक आता हुआ वीरू के तरफ से यहाँ पे बी एस के प्लेयर्स काफी ज्यादा मुसीबत में यहाँ पे सीजी के ऊपर भी स्प्रेड आ चुके यहाँ पे सिक्स सर्कल है वीर के पास भी टाइम नहीं अभी जिंदा नहीं रह सकते और इसी के साथ फिनिश भी हो जाएगा आई डों थिंक वीएसटी क्रॉल के प्लेयर्स भी जोन के अंदर किसी भी प्रकार जा सकते बट फिलहाल यहाँ पे टीम आई के प्लेयर्स काफी ज्यादा दिक्कत में यहाँ पे ऑलरेडी स्लेयर रख जो है फिनिश ऑफ हो चुके हैं ट्रांस और स्लेयर बचे यहाँ पे ट्रांस कोशिश करेंगे रिवाइव देने की उनके टीममेट्स नैक्स को स्लेयर कवर फायर देने की कोशिश करें बट यस जोन जो है फाइनल जोन यहाँ पे टीएसएम एनटीटी की तरफ हर्ट शिफ्ट करता हुआ टीम सोल को अभी जोन के अंदर जाना पड़ेगा

जीती हुई चैरिटी कप के विनर्स हो चुके हैं और व्हाट एन अमेजिंग गेम प्ले बाय टीम टीएसएफ